हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। जैसा कि आपको पता है, अभी अपना टाइम है हिंदी के क्लास का, और आप जानते हैं कि हिंदी का क्लास किनके किनके लिए यूज़फुल है। तो हिंदी का क्लास यूज़फुल है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब या तो आप PWC के लिए आर्ट्स पेपर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। पटना वुमेंस कॉलेज में अगर आप आर्ट्स पेपर की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए हिंदी ज़रूरी है, और अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने क्लास ट्वेल्थ आर्ट्स से किया है तब भी कह सकते हैं कि आपके लिए क्या है ये क्लास, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब इस आज के इस हिंदी के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज के इस हिंदी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी आप जानते हैं कि हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आप कई सारे शब्दों के बदले बस आप एक शब्द लिख सकते हैं तो आपका काम हो जाता है। यानी आज हम लोग देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 100+ आपको याद करने पड़ेंगे। 100+ जो जो इम्पॉर्टेंट है इस PDF का मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये PDF आपका लंबा बहुत थोड़ा सा ज़्यादा पेज में है, बट जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी पर नोट्स कर लीजिएगा और इसके बाद उसको उस PDF से याद कर लीजिएगा, उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या सारे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। चलिए उस PDF को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या आपके लिए जाना ज़रूरी है। सो चलिए देख सकते हैं PDF ओपन हो चुका है। इस PDF में सारी बातें हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कौन कौन अनेक शब्द के लिए एक शब्द इम्पॉर्टेंट है, ये सब इस PDF में दिया गया है। तो इस PDF को अगर अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया, अगर ये PDF अभी तक आपके पास नहीं पहुँच रहा है, तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस से ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, 9065179925 पे आपको आकर के मैसेज देना है और आपको बताना है कि आपको क्लासेस से ज्वाइन करना है। चाहे क्लास आपका पटना वुमेंस कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट के लिए हो या पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए हो, दोनों के एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारियां कराई जा रही है। तो अगर अभी तक आप क्लासेस से ज्वाइन नहीं किए तो क्लासेस से ज्वाइन कर जाए, ताकि कॉम्पिटिशन के ज़माने में आप आगे निकल सके और आपका एडमिशन 100% कन्फर्म हो सके। ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम में आपका एडमिशन हो नहीं पाए, जिसके कारण से आपका पूरा साल बर्बाद चल जाए, आपका पूरा सेशन बर्बाद हो जाए। इसलिए सब बातों का आपको ध्यान रखना है और जितना जल्द से जल्द हो सके क्लासेस से ज्वाइन कर जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए आप सिंपल सा एक शब्द लिख सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो रहेंगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे जो कहा ना जा सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकथनीय कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कुछ ना करता है उसको क्या कहते हैं, अकर्मण्य कहते हैं। इसके बाद जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको कल्पनीय कहते हैं, और जिसकी कल्पना न की जा सके उसको अकल्पनीय कहते हैं। यानी जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जिसको आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उसको इमेजिनेबल यानी कल्पनीय कहते हैं, और जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, अकल्पनीय कहते हैं। इसके बाद आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में बात करते हैं क्या क्या आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कुछ भी करने की क्षमता ना हो उसको हम लोग अक्षम कहते हैं, जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। यानी क्षमा नहीं करना, जिसे क्षमा न किया जा सके उसको क्या कहते हैं, अक्षम्य कहते हैं, यानी क्षमा नहीं कर सकते हैं। जो खाया ना जा सके उसको अखाद्य कहते हैं। इसके बाद जो गिना ना जा सके उसे अगणित कहते हैं। इसके बाद आगे ध्यान रखना है, जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसको हम लोग अग्रज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो सबसे आगे रहता है उसको हम लोग अग्रणी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट में, जो जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताऊँगा। जो पहले कभी घटित नहीं हुआ है उसको अघटित कहते हैं। इसके बाद जिसकी चिंता नहीं होती है उसको हम लोग अचिंतनीय कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जो छूने के योग्य ना हो उसको हम लोग अछूत कहते हैं। इसके बाद जो छुआ ना जा सके उसको अछूता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसका जन्म ना हो उसे हम लोग अजन्मा कहते हैं। इसके बाद जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो उसको हम लोग आजाद शत्रु कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसको जीता ना जा सके उसको हम लोग अजय कहते हैं, ये भी याद आपको याद रखना है। जो ना जाना गया हो उसको हम लोग अज्ञात कहते हैं। जो अपनी बात से न अटल है उसको हम लोग अटल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पदार्थ का सबसे छोटा भाग को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जिसकी आने की तिथि मालूम ना हो उसको हम लोग अतिथि कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो बीत गया है उसको हम लोग अतीत कहते हैं। इसके बाद जो दूसरों पर अत्याचार करे उसे हम लोग अत्याचारी कहते हैं। इसके बाद जो देखने योग्य ना हो उसे हम लोग अदर्शनीय कहते हैं। जो आगे की न सोचता हो उसे हम लोग अदूरदर्शी कहते हैं। इसके बाद जिसका कोई दूसरा ना हो उसे हम लोग अद्वितीय कहते हैं। यानी जिसका कोई ना हो, यानी जिसका कोई दूसरा ना हो, जिसका एग्जैक्ट कोई कॉपी ना हो, या कह सकते हैं जिसका डुप्लीकेट ना हो,
उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, अद्वितीय कह सकते हैं, यूनिक कह सकते हैं। इसके बाद जो धर्म या शास्त्र के विरुद्ध काम करे उसे हम लोग अधर्मी यानी अधर्म कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सरकारी, तो सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना को क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद जिसका अंत ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे, याद रखिएगा। इसके बाद बिना माता पिता के बच्चों को क्या कहते हैं, हम लोग अनाथ कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनियंत्रित कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। इसके बाद जो जन्म से क्या हो, छोटा हो या पीछे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं। इसके बाद जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो उसे हम लोग अनुत्तीर्ण कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जिसका अनुभव किया गया हो उसे हम लोग अनुभूत कहते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं, हम लोग अपराहन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। इसके बाद जिससे परिचित ना हो उसे हम लोग अपरिचित कहते हैं। जिसकी परिभाषा देना असंभव हो उसे हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। जिसे मापा न जाए उसे हम लोग अपरिमेय कहते हैं। जिसके बिना कार्य न चल सके उसे हम लोग अपरिहार्य कहते हैं। इसके बाद जो पूरा या भरा हुआ न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जिसकी जिसकी अपेक्षा उम्मीद हो उसे हम लोग अपेक्षित कहते हैं। इसके बाद जिसकी आशा न की जाए उसे हम लोग अप्रत्याशित कहते हैं। इसके बाद अभिनय करने वाले पुरुष को अभिनेता कहते हैं और अभिनय करने वाले स्त्री को क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, यानी एक्ट्रेस कहते हैं। इसके बाद जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम लोग अभूतपूर्व कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जिस कार्य को बार बार किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभ्यास कहते हैं। जो कभी न मरे उसे हम लोग अमर कहते हैं। इसके बाद जिसके मूल्य को आका नहीं जा सकता है उसके हम लोग अमूल्य कहते हैं, यानी जिसके रेट को कह सकते हैं, जिसका मूल्य को पता ना किया जा सके उस क्या कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा कीमती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमूल्य कहते हैं। इसके बाद जो इस लोक की बाहर की बात हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलौकिक कहते हैं। इसके बाद आगे इम्पॉर्टेंट में बात करें, जिस पर विचार न किया गया हो उसे हम लोग अविचारित कहते हैं। जो नष्ट न होने वाला हो उसे हम लोग अविनाशी कहते हैं। अच्छा बुरा समझने की शक्ति न हो जिसके पास उसे हम लोग अविवेक कहते हैं। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे हम लोग अविश्वसनीय कहते हैं। जो कानून के विरोध हो उसे हम लोग अवैध कहते हैं। जिसमें शक्ति न हो उसे हम लोग असक्त कहते हैं। इसके बाद जो होने वाला न हो उसे हम लोग असंभव कहते हैं। जिसके पास सामर्थ्य न हो उसे हम लोग असमर्थ कहते हैं। जो समय पर ना हो उसे हम लोग असामयिक कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो उसे हम लोग असीम कहते हैं। और फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को हम लोग अस्त्र कहते हैं। जैसे तीर क्या हो जाएगा, अस्त्र का एग्जाम्पल होगा। किसी प्राणी को न मारना अहिंसा कहलाता है। अचानक हो जाने वाली घटना को हम लोग आकस्मिक कहते हैं। इसके बाद आकाश को चुमने वाले को हम लोग आकाश चुंबी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जन्म भर्व के लिए क्या कहते हैं, अजन्म कहते हैं। जीवन भर के लिए हम लोग क्या कहते हैं, आजीवन कहते हैं। आज्ञा का पालन करने वाले को आज्ञाकारी कहते हैं। इसके बाद लेखक द्वारा अपनी जीवनी को लिखना यानी अपने ही लाइफ के बारे में लिखना ये क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा कहलाता है। इसके बाद अपनी हत्या स्वयं करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं। इसके बाद जिसके पार देखा ना जा सके उसे हम लोग अपारदर्शक कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। ऋषियों के रहने वाले स्थान को हम लोग आश्रम कहते हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं, हम लोग आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में नहीं आस्था रखता उसको क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। अपनी की अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले को हम लोग इच्छाधारी कहते हैं। जो अपनी इच्छा के अधीन काम करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, इच्छाधीन कहते हैं। इसके बाद नई चीजों को बनाना क्या कहलाता है, आविष्कार कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद किसी के संपत्ति के किसी के बाद उसकी संपत्ति को प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी कहते हैं।
उसके बाद वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जिसे दंड का भय न हो उसे उदंड कहते हैं। इसके बाद दूसरों को उपकार करने वाले को क्या कहते हैं, उपकारी कहते हैं, याद रखिएगा। ऊपर कहा हुआ को क्या कहते हैं, उपर्युक्त कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद जिस पर किसी अन्य का कुछ अधिकार न हो उसे क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं, याद रखिएगा। जो अपनी इच्छा पर निर्भर करे उसे ऐच्छिक कहते हैं। इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक कहते हैं। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसे क्या कहते हैं, करोड़पति कहते हैं। इसके बाद जो स्त्री कविता लिखती हो, जो लेडीज क्या करती हो, कविता लिखती हो, उसे क्या कहते हैं, कवित्री कहते हैं। जो पुरुष कविता लिखता है उसे क्या कहते हैं, कवि कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद धन के देवता को क्या कहते हैं, कुबेर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसे हम लोग कुलीन कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तेज बुद्धि वाले को क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, ये याद रखिएगा। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की जो कला होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कूटनीति कहते हैं। तो कूटनीति को भी याद रखना है कि कूटनीति किसको कहते हैं। इसके बाद जो खाने योग्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य कहते हैं। तो खाद्य का याद रखिएगा, आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। गणित शास्त्र के जो जानकार होते हैं उसे क्या कहते हैं, गणितज्ञ कहते हैं। इसके बाद जो गिरी पहाड़ को धारण करता है उसे क्या कहते हैं, गिरधारी कहते हैं, यानी जो पहाड़ को धारण करे उसे क्या कहते हैं, गिरधारी कहते हैं। इसके बाद रात और संध्या के बीच के समय को क्या कहते हैं, गौधुली कहते हैं, यानी कह सकते हैं नाइट और इवनिंग, यानी शाम और रात के बीच का जो टाइम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गौधुली कहते हैं। इसके बाद जिसे गुप्त रखा जा सके उसे क्या कहते हैं, गोपनीय कहते हैं, सीक्रेट कहते हैं। गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। इसके बाद घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, घुलनशील कहते हैं। घृणा करने वाले को घृणास्पद कहते हैं, जिससे घृणा की जाए उसे हम लोग घृणित कहते हैं। इसके बाद जिसकी घोषणा कर दी जाए उसे हम लोग घोषित कहते हैं। जो चक्र का धारण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चक्रधर कहते हैं। तो चक्रधर याद रखिएगा। जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम लोग चक्रपाणी कहते हैं। इसके बाद चार मुखे वालों को क्या कहते हैं, चार मुख वालों को क्या कहते हैं, चतुरानन कहते हैं, याद रखिएगा ये भी। इसके बाद जिसकी चार भुजाएं हो उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चार वेदों को जानने वाले को हम लोग चतुर्वेदी कहते हैं, याद रखिएगा। जिसके चार पद हो यानी जिसके चार पैर हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, चतुष्पद कहते हैं। इसके बाद जो चंद्रमा को धारण करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रधारी कहते हैं। इसके बाद जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर यानी शिव कहते हैं। जो चर्चा का विषय हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर्चित कहते हैं। इसके बाद रोगी की चिकित्सा करने वाले को क्या कहते हैं, डॉक्टर यानी चिकित्सक कहते हैं। इसके बाद याद रखना है आपको, जिसकी चिंतन किया जाना चाहिए उसे हम लोग चिंतनीय कहते हैं। इसके बाद जो चित्र बनाता है उसे हम लोग चित्रकार कहते हैं। इसके बाद अधिक दिनों तक जीने वाले को हम लोग चिरंजीवी कहते हैं। इसके बाद चार राहों को क्या कहा जाता है, चौराहा कहा जाता है। इसके बाद जहां छात्र रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, छात्रावास कहते हैं। जहां सेना रहती है उसको क्या कहते हैं, छावनी कहते हैं, याद रखिएगा ये सारी बातों को। इसके बाद जनता के द्वारा चलाया जाने वाला जो राज है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो जन्म से अंधा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जन्मांध कहते हैं, याद रखना है। इसके बाद जो जल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं, जलचर कहते हैं। जो जल में जन्म लेता है उसे हम लोग जलज कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जो जीतने की इच्छा रखे उसे हम लोग जिगीषा कहते हैं। तो जिगीषा के बारे में भी याद रखिएगा, जिगीषा किसको कहते हैं। इसके बाद जिसे जानने की इच्छा हो उसे हम लोग जिज्ञासा कहते हैं, यानी जो जानने की इच्छा रखने वाला बात हो उसे जिज्ञासा कहते हैं। और जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है उसे हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जो हमेशा झूठ बोलने वाला व्यक्ति उसे हम लोग झूठा कहते हैं। इसके बाद चारों ओर जल से घिरे हुए भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं, टापू कहते हैं। जैसे एक प्लॉट हो यानी भूमि का टुकड़ा हो और चारों तरफ क्या हो, पानी हो, तो वैसे स्थिति में उसको क्या कहा जाता है, टापू कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
जो बहुत डरने वाला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डरपोक कहते हैं। आगे देखते हैं, जिसे देखकर डर लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, भयानक या डरावना कह सकते हैं। इसके बाद उसी समय में कुछ काम किया जाए तो उसे हम लोग तत्कालीन कहते हैं। तप करने वाले व्यक्ति को तपस्वी कहते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। जो तर्क के योग्य हो उसे क्या कहते हैं, तार्किक कहते हैं। इसके बाद किसी पद या सेवा से मुक्ति का पत्र हो जाए, दे दे, यानी अब जॉब अगर किसी को छोड़ना रहे, या कह सकते हैं अगर कोई पोस्ट पर है तो अगर उस पद से त्याग करना चाहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, त्याग पत्र कहते हैं। इसके बाद जिसकी तीन भुजाएं हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। याद रखना है आपको, तीनों लोकों के समूह को क्या कहते हैं, त्रिलोकी कहते हैं, यानी त्रिलोक कहते हैं। इसके बाद तीन नदियों के संगम को क्या कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। याद रखिएगा, त्रिवेणी किसको कहते हैं, तीन नदियों के संगम को हम लोग त्रिवेणी कहते हैं। दंड देने योग्य को दंडनीय कहते हैं, तो दंडनीय भी याद रखिएगा। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं। स्त्री पुरुष के जोड़े को क्या कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं। याद रखिएगा, जिसमें दया हो वो क्या कहलाता है, दयालु कहलाता है। इसके बाद जो दर्द से भरा हो उसे क्या कहते हैं, दर्दनाक कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, दर्शनीय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट में। जिसे सताया गया हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, दलित कहते हैं। ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद जिसके 10 मुख हो, 10 आनन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दशानन अर्थात रावण कहते हैं। इसके बाद जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या कहते हैं, दीक्षित कहते हैं। याद रखिएगा, जिसकी आयु लंबी हो उसे चिरंजीवी, साथ में क्या कहते हैं, दीर्घायु भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। दुख देने वाले को क्या कहते हैं, दुखद कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जिसे जानना या समझना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्गम कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद कठिनता से प्राप्त होने वाला, जो कठिन से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ को भी समझिएगा। दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। जो देने योग्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दय कहते हैं। ये भी याद रखना है। जो अपने देश से क्या करे, अपने देश के साथ क्या करे, विश्वासघात करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, यानी टेररिस्ट कहते हैं। जो प्रतिदिन काम करने वाला हो यानी उसे क्या कहते हैं, दैनिक कहते हैं। इसके बाद द्रुपद की पुत्री को द्रौपदी कहते हैं। याद रखिएगा, जो गेट का जो द्वार पर पालन रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं, द्वारपाल कहते हैं। जो दो बार जन्म ले उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। जिसके दो पैर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं। जो दो भाषा जाने उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विभाषी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। जो दो वेदों को जाने उसे हम लोग द्वेदी कहते हैं। धन देने वाला व्यक्ति या देवता को क्या कहते हैं, धनद या कुबेर कहते हैं। इसके बाद यात्रियों के लिए धर्मांध बना हुआ घर को क्या कहते हैं, धर्मशाला कहते हैं। याद रखिएगा ये सब बात को। इसके बाद जो कभी कभी जन्मा हुआ को क्या कहते हैं, अभी अभी जन्मा हुआ को क्या कहते हैं, यानी जो अभी जन्म ले उसे हम लोग क्या कहते हैं, नवजात कहते हैं। तो नवजात के बारे में याद रखिएगा। इसके बाद नया नया आया हुआ को क्या कहते हैं, नवागंतुक कहते हैं। तो नवागंतुक किसको कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को हम लोग नास्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर पर विश्वास रखे उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। नीचे लिखा गया को क्या कहते हैं, निम्नलिखित कहते हैं। तो निम्नलिखित को याद करिएगा, किसी पर अंकुश या नियंत्रण न हो तो क्या कहलाता है, निरंकुश कहलाता है। जो एक अक्षर भी ना जानता हो, यानी जो पढ़ा लिखा ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, इलिटरेट कहते हैं। जिसका अर्थ ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निरर्थक कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं, निराकार कहते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद जिसके हृदय में दया ना हो उसे हम लोग निर्दय कहते हैं, यानी जिसमें दया ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्दय कहते हैं। जिसमें कोई दोष ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्दोष कहते हैं। जिसके पास शक्ति ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्बल कहते हैं। जिसे भय नहीं है उसे क्या कहते हैं, निर्भय कहते हैं। यानी जो डरता किसी से नहीं है उसे क्या कहते हैं, निर्भय कहते हैं। तो निर्भय याद रखिएगा। अपने देश से दूसरे देशों में सामान जाना क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। यानी अपने देश से दूसरे देश में जाना निर्यात, और दूसरे देश से अपने देश में आना क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। निर्वाचन में अपना मत देने वाले को निर्वाचक कहते हैं, यानी इलेक्टर कहते हैं। ये भी याद रखिएगा।
जो रात में विचरण करे यानी जो रात में घूमे यानी जो रात में विचरण करने वाले उसे हम लोग क्या कहते हैं, निशाचर कहते हैं। जिसके लिए कोई शुल्क न लिया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, निःशुल्क कहते हैं। जो चिंता से रहित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित कहते हैं। जो कामना रहित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निष्काम कहते हैं। जो किसी के पक्ष न ले उसे हम लोग क्या कहते हैं, निष्पक्ष कहते हैं। जिसके हृदय में पाप न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निष्पाप कहते हैं। याद रखिएगा, जिसका कोई संतान न हो उसे हम लोग निसंतान कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद शासकीय अधिकारियों का शासन को क्या कहते हैं हम लोग, नौकरशाही कहते हैं। न्याय करने वाले व्यक्ति को न्यायाधीश कहते हैं। इसके बाद जो पथ का प्रदर्शन करने वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पथ प्रदर्शक कहते हैं। तो पथ प्रदर्शक के बारे में भी ध्यान रखिएगा। पानी में डूबकर चलने वाली नाव को क्या कहते हैं, पनडुब्बी कहते हैं, यानी सबमरीन कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो दूसरे पर अधीन हो उसे हम लोग पराधीन कहते हैं, यानी जो दूसरे पर डिपेंडेंट हो उसे क्या कहते हैं, पराधीन कहते हैं। इसके बाद जो आँखों से परे हो उसे परोक्ष कहते हैं। इसके बाद जो दूसरे को उपकार करने वाला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। याद रखिएगा, जो पर्वत पर चढ़ता है उसे हम लोग पर्वतारोही कहते हैं। जिसके पार देखा जा सके उसे हम लोग पारदर्शक कहते हैं। इसके बाद पर्वत की कन्या को क्या कहते हैं, पार्वती कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, पिता की पिता को क्या कहते हैं, पितामह कहते हैं। ये भी याद रखिएगा आप। पुत्र की वधु को क्या कहते हैं, पुत्र वधु कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिर से निर्माण करने को पुनर्निर्माण कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा पुनर्निर्माण क्या होता है। इसके बाद जो पूजने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, पूजनीय कहते हैं या पूज्य कहते हैं। जो पीने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, पेय कहते हैं। पीने वाले योग्य को पेय कहते हैं, पेय पदार्थ यानी पेय कहते हैं। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहते हैं। पुत्र के पुत्र को पौत्र कहते हैं। याद रखिएगा, जो प्रतिदिन होने वाला हो उसे प्रतिदिन कहते हैं। इसके बाद जिसकी प्रतिभा हो, जिसमें प्रतिभा हो उसे प्रतिभा कहते हैं। इसके बाद आँखों के सामने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके बाद जो अपनी मातृभूमि यानी को छोड़ करके विदेश में रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। तो प्रवासी किसको कहते हैं, याद रखिएगा प्रकृति संबंधी को प्राकृतिक कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रियदर्शी कहते हैं। तो प्रियदर्शी क्या होता है, याद रखिएगा। इसकी किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारे जाने वाले पशु को क्या कहते हैं, बलि कहते हैं। जो बहुत जानने वाला होता है उसे हम लोग बहुज्ञ कहते हैं, बहुज्ञ याद रखिएगा। इसके बाद जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे हम लोग बहुदर्शी कहते हैं। इसके बाद आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय को बहुमत कहते हैं, तो बहुमत याद रखिएगा। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसे हम लोग बुद्धिजीवी कहते हैं। इसके बाद जिसके पास कोई रोजगार ना हो उसे हम लोग बेरोजगार कहते हैं, तो बेरोजगार भी याद रखिएगा। जो कद का छोटा आदमी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बौना कहते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद किसी पद पर जो पहले से रहा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूतपूर्व कहते हैं। इसके बाद चुनाव में अपना मत देने की प्रक्रिया को मतदान कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मनन करने योग्य को क्या कहते हैं, मननीय कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आप। इसके बाद जिसकी आत्मा महान हो उसे हम लोग महात्मा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जिसका मन महान हो उसे हम लोग महामना कहते हैं, जैसे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, इस तरीके से आप नाम सुने होंगे। तो जिसका मन महान हो उसको क्या कहते हैं, महामना कहते हैं। इसके बाद जो मान सम्मान की योग्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माननीय कहते हैं। जो मांस खाने वाला होता है उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। इसके बाद एक महीने में होने वाले को हम लोग मासिक कहते हैं। इसके बाद मछली की तरह आँखों वाली को हम लोग मीनाक्षी कहते हैं। तो मीनाक्षी का क्या मतलब होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जहाँ तक हो सके यानी अपने तहत से जितना प्रयास आप करें उसे हम लोग क्या कहते हैं, यथासंभव कहते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, यात्रा करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, यात्री कहते हैं। ये भी याद रखना है कि यात्री किसको कहते हैं, तो यात्रा करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, यात्री कहते हैं। इसके बाद जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं। तो युधिष्ठिर का मतलब याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रचना करने वाले को क्या कहते हैं, रचयिता कहते हैं। तो रचयिता का मतलब भी याद रखिएगा।
इसके बाद राज्य या राज्य के प्रति जो विद्रोह करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजद्रोह कहते हैं, याद रखना है आपको। इसके बाद जिसका लंबा उदर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं। जो भूमि का हिसाब किताब रखता है उसे हम लोग लेखपाल कहते हैं। संसार के सबसे प्रिय को हम लोग लोकप्रिय कहते हैं। इसके बाद जो पुरुष लोहा की तरह बलिष्ठ हो उसे हम लोग लौह पुरुष कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके पास जिसकी वाणी में जिसके पानी में वज्र हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वज्रपानी अर्थात इंद्र कहते हैं। जो वन में घूमता है उसे हम लोग वनचर कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जो अधिक बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद बेचने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, हम लोग विक्रेता कहते हैं, याद रखिएगा। विद्या की चाह रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। जिसका पति मर जाता है उसे हम लोग विधवा कहते हैं, याद रखिएगा। जिसका पत्नी मर जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं। तो विधुर क्या है, विधवा क्या है, याद रखिएगा। यहाँ से सौतेली माँ को हम लोग विमाता भी कहते हैं, तो विमाता का मतलब याद रखिएगा। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम लोग विश्वसनीय कहते हैं, याद रखना है आपको। इसके बाद जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे हम लोग विश्वासघाती कहते हैं, ये भी याद रखना है। जो विज्ञान को मानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, याद रखिएगा। जो कानून के अनुसार हो उसे हम लोग वैद्य कहते हैं। जो विष्णु का उपासक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैष्णव कहते हैं। जो व्याख्या करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याख्याता कहते हैं। 100 वर्षों से अधिक के समय को शताब्दी कहते हैं, याद रखिएगा। शत्रु के नाश करने वाले को क्या कहते हैं, शत्रुधन कहते हैं, याद रखिएगा आप। देश के लिए प्राण देने वाले को क्या कहते हैं, शहीद कहते हैं। फल फूल खाने वाले को क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। सदैव रहने वाले को क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, याद रखिएगा। जो तेजी से चलता है उसे शीघ्रगामी कहते हैं। इसके बाद जो शैव का जो शिव का उपासक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शैव कहते हैं, याद रखिएगा। जो सुनने योग्य हो उसे हम लोग श्रवणीय कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। 6 कोने वाले को क्या कहते हैं, षटकोण कहते हैं, ये भी याद आपको रखना है। इसके बाद जहाँ नदियों का मिलन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। जो संगीत को जानने वाला होता है उसे हम लोग संगीतज्ञ कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो सत्य के प्रति आग्रह करते हो उसे हम लोग सत्याग्रह कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जिसका आचरण अच्छा हो उसे हम लोग सदाचारी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जो हो सकता है उसे हम लोग संभव कहते हैं। इसके बाद एक ही समय में उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, समकालीन कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, जिसमें रस हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरस कहते हैं। विद्या देने वाली देवी को सरस्वती कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सबको जीतने वाले को क्या कहते हैं, सर्वजीत कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। सबको प्यारा वाले को सर्वप्रिय कहते हैं। सब कुछ भक्षण करने वाले को क्या कहते हैं, सर्वभक्षी कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं। इसके बाद सहन करना जिसका स्वभाव हो उसे हम लोग सहनशील कहते हैं। जिसमें सहन शक्ति हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहिष्णु कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा, जिसका कोई आकार ना हो उसे हम लोग साकार कहते हैं। जो पढ़ा लिखा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना होता उसे क्या कहते हैं, निराक्षर कहते हैं, यानी निराक्षर कहते हैं। इसके बाद जो लोगों में संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, हम लोग सार्वजनिक कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो सिंह के बच्चे यानी शेर के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, सिंह शावक कहते हैं। तो सिंह शावक को भी याद रखिएगा। जिसका ग्रीवा सुंदर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुलभ कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद सुंदर हृदय वाले को सुहृद्र कहते हैं। इसके बाद जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हटाया हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरित कहते हैं। तो स्थानांतरित को भी याद रखिएगा। इसके बाद जो याद करने योग्य हो, जो स्मरण करने योग्य हो उसे हम लोग स्मरणीय कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो इच्छा से दूसरों की सेवा करता है उसे हम लोग स्वयं सेवक कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद हत्या करने वाले को हत्यारा कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो हाथ से लिखा हुआ को हस्तलिखित कहते हैं। इसके बाद दिल से होने वाले को हम लोग हार्दिक कहते हैं। हिंदी की भाषा को हम लोग हिंदी कहते हैं। हिंसा करने वाले को क्या कहते हैं, हिंसक कहते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था, जिसका रिवाइज मैंने आपको कराया। और इतने अगर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर ये सारे अनेक शब्दों को अगर आप ध्यान रखते हैं
तो इसी से आपका अनेक शब्दों का एक शब्द का आपका प्रश्न आपसे टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो आप टेस्ट की तैयारी अपनी जोर शोर से कीजिए, जो जो मैंने आपको बताया है सबका नोट्स आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, ताकि आप एग्जाम के टाइम में एंट्रेंस के टाइम में क्या कर सके, याद कर सके, ताकि आपका क्या हो एंट्रेंस के टाइम में एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे और आपका स्कोर हाई से हाई हो सके, ताकि आपका एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सही तरीके से कंप्लीट हो सके, वो भी आपके मन पसंदीदा कोर्स में। तो मन पसंदीदा कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको बेहतर तैयारी करना है, इसलिए लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि बेहतर तैयारी करना। तो जो भी अभी तक स्टूडेंट्स क्लास से ज्वाइन नहीं किए हैं क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास से ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, 9065179925 पे आपको मैसेज देना है। मैसेज देने के बाद फर्दर आपको क्लास से ज्वाइन कर जाना है, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, क्लास मिलता है। क्लास आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिलता है, यानी जिनका क्लास छूट जाता है, क्लास लाइव नहीं कर पाते हैं, वो रिकॉर्डेड वाला देख लेते हैं, और जो रिकॉर्डेड जो लाइव रह पाते हैं यानी जो प्रेजेंट रहते हैं वो लाइव देख लेते हैं। तो क्लास आपको लाइव रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिलता है। इसके बाद आपको PDF मिलता है, इसके बाद आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, इसके बाद आपको नोट्स मिलता है, इसके बाद आपको MCQ क्वेश्चन मिलता है, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिलता है, इसके बाद आपको साथ में क्या मिलता है, इसके बाद में आपको प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चन का सेट मिलता है, और एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चन का क्या मिलता है, सीरीज मिलता है, यानी एक्सपेक्टेड MCQ क्वेश्चन का कलेक्शन मिलता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कह सकते हैं 9 बेनिफिट आपको एक क्लास के थ्रू मिलता है। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके क्लासेस से आप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप भी बेनिफिट को उठा सके और आप भी एंट्रेंस एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सके। आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा, क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट क्लास।